1670 की बात है, श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में स्थित ठाकुर केशव मंदिर को तोड़कर उसकी जगह शाही ईदगाह मस्जिद बनाई जाती है। जिस वक्त मस्जिद बन रही होती है उस वक्त निर्माण के समय मंदिर के अवशेष और कुछ चिन्ह पाए जाते हैं। ये दावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से किया गया है। उनका कहना है कि इन सब बातों के सबूत श्री कृष्ण जन्म स्थान से जुड़ी किताबों में मिलते हैं। शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा, अगर सर्वे से दिक्कत है तो सही तरीका अपनाएं और सबूतों के साथ बात करें, इसके बाद आपकी सुनवाई पर विचार किया जाएगा। बता दें, गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था और कोर्ट ने यह फैसला 16 नवंबर को ही अपने पास सुरक्षित रख लिया था। शाही ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में ट्रांसफर करवाने की मांग की है, जिसको लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को मेंशन देते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद मामले में ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, जहां कमिश्नर सर्वे और हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि मस्जिद की दीवारों पर आज भी कमल पुष्प, ओम और शेषनाग के चिन्ह है। उनका कहना है कि ये सभी आकृतियां मस्जिद की दीवारों पर मौजूद है, जो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये सारी आकृतियां सनातन धर्म का प्रतीक है। हिंदू पक्ष का दावा है कि आज भी शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर होने के सबूत है, बस एक बार सर्वे होने की देर है। अगर एक बार सर्वे हो जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वही दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद में इस तरह के कोई चिन्ह या सबूत नहीं है। अब मुस्लिम पक्ष का दावा सच्चा है या हिंदू पक्ष का, ये तो कोर्ट तय करेगा। और ये सुनवाई कहां तक और कितनी लंबी चलती है, इसको लेकर फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।